अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारी क्लास 9th की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। एक्चुअली इस चैप्टर में हमारे पास टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द रियल नंबर एंड द सेकंड पार्ट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रियल नंबर। आज हम पहले रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर रियल नंबर्स। एक्चुअली रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ, रियल नंबर एक नंबर्स का सेट है विच इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि रैशनल कौन से होते हैं और इरैशनल कौन से होते हैं, और जब आप रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को कंबाइन करके एक बड़ा सेट बना लें तो ये बनता है एक रियल नंबर का सेट, राइट? हमने कहा रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स इंक्लूडेड हैं? इंटीजर्स, जो कि इससे पहले हम देखते रहे हैं। इंटीजर्स में वो नंबर्स आते हैं विच आर नेगेटिव, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, राइट? नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ज़ीरो भी है। होल नंबर का सेट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, 1, 2, 3, राइट? इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं आते, कोई डेसिमल नंबर्स नहीं आते, इवन इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है और इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है। प्राइम नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर अपने टेबल में आते हों, मींस खुद से डिविजिबल हों और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। इवन या ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, वही जो हमेशा आते हैं। ज़ीरो इवन नंबर में इंक्लूड होता है, अदरवाइज मोस्टली ये नहीं होता इंक्लूड। ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ज़ीरो अगर इंक्लूड होगा तो इवन में जाएगा, अदरवाइज वो या तो दोनों सेट में नहीं जाएगा। अगर आप इन तमाम सेट्स को कंबाइन कर दें तो वो सब कौन से सेट्स कहलाते हैं? रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर में नीचे कोई भी नंबर शामिल नहीं होते। इरैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ रेडिकल्स आते हैं, जो स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं। ओके, हमने देखा कि रैशनल नंबर में सारे इंक्लूडेड हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम, इवन, ऑड एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास सेट्स हैं अब तक हमने देखे वो सब रैशनल नंबर में आते हैं। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की? प्रॉपर डेफिनेशन है इफ़ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बस रैशनल नंबर से हमारे जहन में सबसे पहले बात आती है फ्रैक्शन, राइट? लाइक 2/3, 4/5, 6/7 या कोई भी फ्रैक्शन, 1/5, 1/2, कोई भी फ्रैक्शन हो, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। बट हम सिर्फ ये फ्रैक्शन देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रैशनल है। मे बी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इरैशनल भी हो सकते हैं। अब ये हमें देखना है कि वो कौन से फ्रैक्शंस हैं जो इरैशनल, मोस्टली ज़्यादातर रैशनल होते हैं बट सम फ्रैक्शंस आर इरैशनल। सो वी हैव टू सी के वो कौन से हैं जो इरैशनल हैं। ठीक, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इफ सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/4, अगर आप 7/4 का डिवाइड करके इसका आंसर चेक करें तो हमारे पास आ रहा है 1.75। इसके आगे कोई मज़ीद आंसर नहीं मिल रहा, मींस ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मींस ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट? अगर हम एक और डेसिमल फ्रैक्शन को चेक करें, जैसे कि 2/9, जब 2/9 का आंसर चेक कर रहे हैं हम इन डेसिमल्स, तो वी गेट 0.222 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, मींस कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेट नहीं हुआ। जैसे कि एक और एग्जांपल है 1/4,
वन अपॉन फोर को चेक करें तो इसका आंसर 0.25 आता है। वन अपॉन फाइव देख लें, वन अपॉन टू देख लें, ये जितने भी आंसर्स हैं ये 0.2 हो गया। जैसे ही वन अपॉन टू देखा तो ये 0.5 होता है। ये सारे वो फ्रैक्शंस हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, मींस इनका एक हमें पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है जो फाइनाइट टर्म्स तक यहाँ डेसिमल के बाद जा रहे हैं, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। अब जैसे वन अपॉन सिक्स हो गया, वन अपॉन थ्री हो गया ये, या फिर रेडिकल्स में अगर आप चले जाएँ रूट थ्री हो गया, इन सब के आंसर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेटिंग है, लाइक इफ़ वी हैव 1/4 0.25, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसमें तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर हमारे पास, जैसे पहले हमने अभी देखा 2/9 है, इसका आंसर 0.2222 आ रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग की ही टाइप्स आएंगी। अगर आपके पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इट मींस या तो वो रिकरिंग होगा या तो वो नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता चला जा रहा होगा वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होगा वो नॉन रिकरिंग होगा। फॉर एग्जांपल 5/6, 5/6 का डेसिमल में आंसर आता है 0.833333 और 3 रिपीट होता चला जाता है। इसमें 8 के बाद 3 क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिकर्जन आ रहा है इसमें, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड आउट करें तो हमें मिलता है 1.732050, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये एक नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप 1/√3 फाइंड आउट कर लें तो आपको मिलता है 0.57735 एंड सो ऑन। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, जैसे कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है, ये एक डेसिमल है, इसका भी जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे 3.1427 एंड सो ऑन, ऐसे ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगा। मींस ये सारे के सारे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आ गए। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है रैशनल और इरेशनल नंबर की। इससे पहले अभी हम सिर्फ इतना बताकर आए थे आपको कि रैशनल नंबर वो है जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखवा सकें, बट वहाँ मैंने ये भी कहा था कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होंगे जो कि इरेशनल भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से होंगे जो रैशनल हैं और जो इरेशनल हैं। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग। रैशनल नंबर वो नंबर है, वो फ्रैक्शन है, वो डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो, राइट अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। टर्मिनेटिंग मींस लाइक जैसे 0.5 जो कि 1/2 है, मींस 1/2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, राइट या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसकी कंडीशन ये है कि वो रिकरिंग होना ज़रूरी है, राइट जैसे कि हमारे पास एक है 0.818181 एंड सो ऑन, ये एक डेसिमल नंबर है बट क्योंकि ये रिकरिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये क्योंकि रिकरिंग है इसलिए ये रैशनल होगा, राइट जैसे कि हमारे पास होता है 1/3 0.33333 एंड सो ऑन, राइट तो ये एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिकरिंग भी है। और जैसे से सारे होल नंबर्स आ गए, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये सब होल नंबर्स हैं क्योंकि इनके बाद 0 होता है, 0 कितने भी टाइम्स आप लिख लें तो ये रिकरिंग में या फिर आप टर्मिनेटिंग में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे भी रैशनल होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग ज़रूर होने चाहिए, वो सारे फ्रैक्शंस हमारे रैशनल नंबर्स में जाएंगे। अब इरेशनल पे आ जाते हैं। इरेशनल में टर्मिनेटिंग
तो आएंगे ही नहीं। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो यकीनन रैशनल होगा। इसमें सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी है तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि मैंने अभी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बताया था आपको, जिसका आंसर एक नॉन रिकरिंग था, राइट? तो फिर इट मीन्स ये हुआ कि जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं वो तमाम के तमाम इरेशनल हैं। ऐसे फ्रैक्शंस भी कोई हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल हम फ्रैक्शन में मोस्टली यही देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, ये क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल, ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब हमें इन नंबर्स को, हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवेन है, हमें इससे आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। डोंट फॉरगेट कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। रैशनल की डेफिनेशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग। अगर टर्मिनेटिंग है या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिकरिंग ज़रूर होगा, वो रैशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिकरिंग भी है तो वो इरेशनल में जाएगा। बस स्क्वायर रूट को देखकर आप फौरन डिसाइड कर लेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा लाजमी, ठीक है? अच्छा, 1/5 का आंसर कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें इसके कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 0.2 आ गया, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जब ये टर्मिनेटिंग है मीन्स ये कौन सा नंबर है, रैशनल। बस आपको ये बताना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2/8 का आंसर है 0.17677 एंड और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये एक नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, मीन्स इट शुड बी इरेशनल। और मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ स्क्वायर रूट को देखकर आप डिसाइड कर लेंगे कि ये एक इरेशनल है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इरेशनल नंबर को आप रैशनल से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। 5/√6 का आंसर है 2.04 1241 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक इरेशनल नंबर था तो ऑब्वियसली इसका डिवीजन भी एक इरेशनल नंबर ही आना था, तो ये आ गया हमारे पास एक इरेशनल नंबर। 2/8 का आंसर है 0.25, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया तो ये एक रैशनल नंबर है, और बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल एज इट इज़ होने, जो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें आपको रैशनल इरेशनल से पहले का स्टेप करना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, जब आप डिवाइड करेंगे तो 5/8 का आंसर आ रहा है 0.625, जो कि यहाँ एंड हो गया मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। फोर अपॉन 18 का आंसर आ रहा है 0.22222 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मीन्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑल्दो ये रिकरिंग भी है, बट आपको अभी सिर्फ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिसाइड करना है। 1/15 का आंसर है 0.0666, ये भी एक रिकरिंग आ रहा है, बट क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है सो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। कुछ रैशनल नंबर्स, कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स सी के नंबर लाइन क्या होती है। पहले एक नॉर्मल होल नंबर्स वाली नंबर लाइन चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम रैशनल नंबर्स पे आएंगे। देखिए, एक नॉर्मल नंबर लाइन क्या होती है, इन द मिडल वी हैव ज़ीरो, और जो राइट साइड पे इस लाइन जा रही होती है, इंटीजर्स एक्चुअली इस पे बता रहे होते हैं ना, जो राइट साइड पे जा रहा है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ चलता जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहा है वो -2, -3, -4 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, और एरो हेड शोज़ के ये इनफाइनाइट तक जा रही है और मिडिल में आ गया ज़ीरो। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन हटाकर मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप माइनस
टू को लोकेट करें ऑन अ नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे कि सीधा माइनस टू ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर आप पॉइंट लोकेट कर देंगे। अगर मैं कह दूँ फोर को आप लोकेट करें, तो आप क्या करेंगे फोर पे जाकर पॉइंट लोकेट कर देंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मैं आपको कोई बीच का नंबर दे दूँ, मैंने कहा 0.2 को आप लोकेट करें, तो 0.2 कहाँ होगा? 0.2 यकीनन 0 और 1 के कहीं बीच में होगा, राइट? यही तो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब मैंने 8/10 जो दिया है, इसका आंसर कहाँ होगा? कहीं बीच में मौजूद होगा। अब वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, राइट? नंबर लाइन सेम होगी, बट उसमें जो नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। अब हमें जो गिवन नंबर है वो एक्चुअली एक फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले जो इनिशियली हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में नंबर है क्या? डिनोमिनेटर में इस टाइम पे 10 मौजूद है। 10 है मींस आप स्टार्ट तो 0 से ही करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड जा रही है, तो मैं 0 यहाँ बना रही हूँ और ये पॉजिटिव साइड पे सारे नंबर्स मैं साइड लूँगी। अगर नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट साइड पे मूव करती। अब हमें ये मालूम है कि डिनोमिनेटर में 10 है, मींस हम सबसे पहले 10 पार्ट्स बनाएंगे। 1, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 10th पार्ट होगा ये हमारा 1 होगा, ये 0 था और ये है 1, बिकॉज 8/10 का आंसर 0.8 है, मींस ये 0 और 1 के मिडल में कहीं मौजूद है, राइट? तो हमें 1 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं कहीं स्टॉप हो जाएंगे। अब मैंने कहा क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, मींस हमने 10 पार्ट्स ड्रॉ किए। जो फर्स्ट पार्ट होगा ये क्या होगा? 1/10। जो सेकेंड पार्ट है वो 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, और ये जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा? 8/10 होगा। मींस हमें जो पॉइंट चाहिए वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है जो क्या है? 8/10 है, राइट? तो हम यहाँ पे जाके इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। पार्ट टू में हमें सेम नंबर गिवन है, बट वो नेगेटिव है, -8/10, राइट? तो ऑब्वियसली क्योंकि ये माइनस है तो हम इस साइड पे मूव करेंगे, इसलिए मैंने 0 उस कॉर्नर पर लिख लिया। इस साइड मूव करेंगे हम, अगेन इनिशियल स्टेप होगा कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में है क्या। डिनोमिनेटर में 10 है, मींस हमें क्या करना है कि इस नंबर लाइन में जो 1 तक जाएगी इसमें मिडिल में 10 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है, राइट? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 10th पार्ट होगा ये क्या होगा? अब -1 होगा, बिकॉज हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। नंबर लाइन आगे भी है बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम जब यहाँ पे पार्ट्स लिखेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट 1/-1/10, -2/10, -3/10, -4/10, ऐसे करते करते जब हम इस पे पहुँचेंगे तो ये बनेगा -8/10। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हमें लोकेट करना है, -8/10। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 1/4। अब हमारे पास 1/4 है, मींस ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को देखें, दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लें नॉर्मल फ्रैक्शन में, तब भी आप लोकेट कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली भी लोकेट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली बता रही हूँ बिकॉज हमारी बुक में भी डायरेक्टली ही शो किया गया है। ओके, पॉजिटिव नंबर है, राइट? तो फिर हम कौन सी साइड जाएंगे? हम राइट साइड जाएंगे। राइट साइड जाना है और हम फिर से चेक करेंगे इनिशियल स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होगा, फिर से हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में है इस टाइम पे 4, मींस वी हैव टू डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब जो 1 होगा वो 4th पार्ट पर मौजूद होगा, राइट? तो हम सबसे पहले तो 4 पार्ट्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आ गया 1, बट क्या ये 1 और 0 के बिटवीन मौजूद है? ये चेक कर लेते हैं, इसको चेक करें। 4 ones are 4 और 5, 5/4 का आंसर है 1.25। मींस ये 0 और 1 के
इन बिटवीन मौजूद नहीं है, ये ग्रेटर देन वन है। मीन्स अभी हमें वन से और आगे जाना है, नंबर लाइन को और मज़ीद आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर से आगे जब बढ़ाएंगे तो क्योंकि अब डिनोमिनेटर में स्टिल फोर ही है, तो हम फोर पार्ट्स को ही आगे लेके जाएंगे, 1, 2, 3, 4। और ये जो फोर्थ पार्ट होगा, अब ये क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा। जैसे 0, 1, 2 सेम पार्ट्स चल रहे हैं, राइट। अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो फिर से आप फोर पार्ट्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये डिपेंड करता है कि आपको नंबर क्या गिवन है। अभी नंबर जो गिवन है वो 1 और 2 के बिटवीन मौजूद है, मीन्स आपको और आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं मिल जाएगा। नाउ लेट सी कि आप लोकेट कैसे करेंगे। ये आ गया 0, 0 के बाद क्योंकि फोर पार्ट्स हैं तो फर्स्ट पार्ट शुड बी 1/4, 2/4, 3/4, और जो फोर्थ पार्ट होता है वो 4/4 है, विच इज़ एक्चुअली 1, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 4/4 का आंसर निकालेंगे तो कैंसिल होके वो 1 दे देता है, ठीक है। अब जब आप 1 से आगे फर्दर जाएंगे, अब होल नंबर में आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो 1 से ग्रेटर है, तो हमें मिलेगा 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4, राइट। तो हमें कहाँ मिला, 1 1/4, ये रहा 1 1/4 इज हियर, राइट। तो हमें हमारा पॉइंट मिल गया 1 1/4। इफ़ सपोज़, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। इफ़ सपोज़ आपके पास ये नंबर होता 1 3/4, ओके 1 3/4 कहाँ मिला था, सेम नंबर लाइन पे मौजूद है, देखिए ये रहा 1 और 3/4। अगर मैं इसी नंबर लाइन को थोड़ा सा और चेंज करूँ और मैं कहूँ अब मुझे आप लोकेट करके बताएं 2 होल 1/4। अब 2 होल 1/4 के मीनिंग्स ये हैं कि वो 2 से, ये 2 आपको बता रहा है कि वो 2 के बाद मौजूद है, जैसे कि इस 1 ने आपको बताया कि वो 1 के बाद मौजूद है, राइट। अभी ये 2 आपको ये बता रहा है कि ये 2 और 3 के इन बिटवीन कहीं मौजूद है, ये 2 के बाद होगा। अब है क्या है वो, ये रहा 2। अब 2 के बाद जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 2 होल 1/4 होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली 2 के बाद आ रहा है। फिर सेकेंड पार्ट होगा 2 होल 2/4, 2 होल 3/4, राइट, 2 होल 3/4। अभी मैंने कौन सा आपको पॉइंट दिया, 2 होल 1/4, जो कि ये रहा, तो वो पॉइंट यहाँ मौजूद होगा, राइट। इस तरह से ये वेरी करता रहेगा। इसका एक और मेथड भी है जो हम इस मेथड से भी इसको लोकेट कर सकते हैं, अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, इसमें हम सबसे पहले इस जो मिक्स फ्रैक्शन गिवेन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 5/4। 5/4 कहाँ होगा, देखें वही चीज़ है, हमने बनाए 4 इक्वल पार्ट्स, उसके साथ 1 ले लिया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या होगा, 4/4 के बाद क्या आ जाएगा, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 को अगर आप सॉल्व करें तो आपको ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। अब आप जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो 9/4, 10/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब आप चेक करें कि 5/4 जो हमने इसको कन्वर्ट किया था, 5/4 कहाँ मौजूद है, देखें ये रहा 5/4, हमें यहाँ मिल गया, राइट। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये वाली मैंने एग्जांपल आपको दी थी, 4 1 4, 5 6 7, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 7/4। अब चेक करें 7/4 कहाँ है, देखिए हमने पहले जो बनाई थी जब भी हमें सेम ही नंबर्स मिले थे, 4 2 8 और 9, मींस ये हमारे पास है 9/4। 9/4 कहाँ होगा, अगर इसको फर्दर कंटिन्यू करें तो हमें देखें 9/4 यहाँ मिलता है, तो ये आ गया हमारे पास 9/4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ये ओपन क्वेश्चन है, मींस आपको ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर आंसर हो, आपको जो भी ऐसे रैशनल नंबर्स मिल जाएं जो कि 1 और 2 के बिटवीन मौजूद हों, आप वो इनमें से कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है।
जैसे फर्स्ट हमारे पास अगर हम कंसिडर करें 3/2, 3/2 का आंसर 1.5 है, जो कि 1 और 2 के बिटवीन मौजूद है, राइट। और ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल भी है। 5/4 का चेक किया तो 1.25 मिला, ये भी 1 और 2 के बिटवीन है और ये टर्मिनेटिंग है। 9/8 का आंसर चेक किया तो 1.125 है, ये भी 1 और 2 के बिटवीन है और रैशनल है। और ऐसे आपको और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं, तो जो भी आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज गिव रीज़न व्हाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई, ये जो सिंबल होता है पाई, हमें ये फाइंड आउट करना है, सिर्फ इसका रीज़न देना है कि क्यों ये एक इरेशनल नंबर है। अगर आप चेक करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। जब इसका डिवाइड करके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं तो वी विल गेट 0.3142857 1, और ये एक इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है। तो सिंपल, बहुत छोटा सा रीज़न इसका ये है कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है, दैट्स वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो रीज़न में जस्ट इतना आ जाएगा, बिकॉज पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज एंड होती है, राइट। तो अगर अब थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा। हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स थे यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। फिर हमने चेक किया कि व्हाट आर द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग थे तो वो रिकरिंग थे। इरेशनल नंबर्स वो थे कि जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी थे। मोस्टली उसमें हमने ये चेक किया कि स्क्वायर रूट्स हमें ज़्यादातर वो मिले जो कि इरेशनल थे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आ गए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन, आज हमने रैशनल नंबर की नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखी कि कैसे आप एक रैशनल नंबर को, एक फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई और टॉपिक भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं।